डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मीन्स एनी फूड मेटेरियल्स विच इनटेक इन आवर बॉडी। मीन्स न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। यहाँ दिस न्यूट्रिएंट्स मीन्स जस्ट लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स विटामिन्स रफेस एंड ऑल्सो वाटर। ऑल दिस थिंग्स जिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स, या अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड होगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो न्यूट्रिशन में से फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि जब कोई प्लांट्स अपना फूड मटेरियल सेल्फ प्रिपेयर करता है, इसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एनी ग्रीन प्लांट्स, कोई भी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वह सेल्फ फूड को प्रिपेयर करता है, मतलब सेल्फ बनाता है विद द हेल्प ऑफ, उसमें कुछ मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग यूज उसमें किया जाता है ऑटोट्रॉपिक में। ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से चीज है जिसको वो प्लांट जो है यूज करता है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हो जाएगा आपका प्लांट्स में भी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स के हेल्प से, ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होते हैं उस ग्रीन लीव्स में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के हेल्प से ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और इस फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना फूड डायरेक्टली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, मींस बिना किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हुए वो इस क्लोरोफिल के हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका नेम क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट जो है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेता है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें ओनली एग्जांपल आपको हो जाएगा प्लांट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स कंटेन्स आल्सो क्लोरोफिल, और जिसमें क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो पहले हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका होगा कि इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो फूड मटेरियल्स के लिए किसी अनदर प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मींस वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं।
ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग उनका जो मोड ऑफ जो उनका जो न्यूट्रिशन का मेथड है उसको हम लोग हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, ये अपने फूड के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। ये अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे काउ, ह्यूमन, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हो सकता है इसमें हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड डॉटर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ये अपना फूड जो है वो डायरेक्टली नहीं फॉर्म करते बल्कि इनडायरेक्टली फॉर्म करते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल्स में ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको देखना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये हो जाएगा जैसे प्लांट्स में जैसे कैरेट हो गया, ये मेज हो गया, सनफ्लावर हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर आपको हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर देखना हो तो हेटरोट्रॉफिक्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक और एग्जांपल होगा आपका सैप्रोफाइटिक, ठीक है ना, तो ये सैप्रोफाइटिक भी है और जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस तरह से अब हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपका हो जाएगा कि द न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बल्कि ये क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं एंड डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। इसको ऐसे भी सिंपल वे में भी हम लोग बोल सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हो गया काउ, ह्यूमन, नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे करके ये एग्जाम्पल्स हो गए नॉन ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब आपको नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम आपको बताएंगे कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक और चीज है, इसको हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थ्री और टाइप्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, इसको हम लोग थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका सैप्रोट्रॉफिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और थर्ड है होलोजोइक। ये थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिए है। ये थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गया। सैप्रोट्रॉफिक में वैसे आते हैं इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा नॉन ग्रीन प्लांट, इसका हो जाएगा नॉन ग्रीन प्लांट मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटरोट्रॉफिक है। और हेटरोट्रॉफिक में भी ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। और ये डिपेंड किस चीज पर होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स किस चीज पर डिपेंड होता है, तो ये डिपेंड होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर डिपेंड होता है। ये डेड और डिकेइंग मटेरियल्स मतलब ये सड़े गले और मरे हुए जीवों पर डिपेंड होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट या फिर इसको सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हेटरोट्रॉफिक का पार्ट है फर्स्ट। हेटरोट्रॉफिक में हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसमें होता है पैरासिटिक। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं डोडर या डोडर DODAR डोडर प्लांट्स। डोडर को हम लोग अनदर नेम द्वारा कस्कुटा भी कहते हैं, कस्कुटा कस्कुटा कहते हैं इसको, इसका दो नेम हो गया कस्कुटा या डोडर।
और इसका एग्जांपल्स में एग्जांपल्स में इसका हो जाएगा, अगर एनिमल्स में एग्जांपल हम लोग एक तो हो ही गया ये डोडर या कस्कोटा, और अगर एनिमल्स में अगर इसका एग्जांपल लेना हो तो हम लोग राउंड वर्म लेते हैं, राउंड वर्म। इतने सारे ये सब एग्जांपल्स है, ये इसका ये सारे के सारे ऑर्गेनेल में डायरेक्टली ना तो ये फूड प्रिपेयर करते हैं और ना ही ये किसी अनदर ऑर्गेनेल से फूड को खाते हैं, ही करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं कि अनदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उसके बॉडी में इनसाइड या फिर आउटसाइड में उस पर सर्वाइव करते हैं, उससे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये तो एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आया, एकदम सिंपल एग्जाम्पल हम आपको लेकर के समझा देते हैं। जैसे आप लोग मॉस्किटो को देखे हैं, मॉस्किटो जो है वह फूड के लिए डिपेंडेंट होता है अनदर एनिमल पर, जैसे ह्यूमन बींग्स, काउ, बफेलो हैं, इन सब चीजों पर वह उनके बॉडी से ब्लड को सप करता है और अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, वह किसी अनदर मटेरियल को ईटिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासिटिक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पैरासिटिक। तो अब ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में एक और एग्जांपल, एक और तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग के बॉडी में, हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं राउंड वर्म, ठीक है ना, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ये सर्वाइव करता है, तो यही होता है पैरासाइट, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म खुद को फूड प्रिपेयर करता नहीं है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को किसी होस्ट से, होस्ट का मतलब कि जिस बॉडी से उसको फूड मिलता है उसे होस्ट कहते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग गेस्ट कहते हैं। तो ये गेस्ट के रूप में अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासिटिक कहते हैं। थर्ड हो गया हमारा होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका हो जाएगा कि इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड मटेरियल्स को इंटेक करते हैं, मीन्स सॉलिड फूड को ये खाते हैं, सॉलिड फूड, और इसको डायरेक्टली इंटेक करते हैं, मीन्स बाइटिंग करके या फिर जैसे भी, लेकिन सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं। इसका एग्जांपल में हम ह्यूमन बींग्स भी हो जाएंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स होंगे, ठीक, काउ हो जाएगा, जो भी सॉलिड फूड को इंटेक करता है वो सब हो जाएगा। लेकिन इसका एक और एग्जांपल हम आपको बताएंगे, एक यूनिसेलुलर एनिमल है जिसका नाम है अमीबा, ठीक है ना। ये अमीबा यूनिसेलुलर होते हुए एक सेल का एनिमल है, फिर भी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि यह भी सॉलिड फूड अपने से छोटे साइज वाले फूड मटेरियल्स को इंटेक करता है एज फूड। तो ये हो गया हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको पढ़ना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस और उसके कंडीशंस। तो फोटोसिंथेसिस और उसके कंडीशंस हम आपको बताते हैं। फोटोसिंथेसिस अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में, न्यूट्रिशन में ही आपको पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट कौन सा, क्लोरोफिल, इसके हेल्प से वो अपने इस प्रोसेस को डन करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और तो वो ऑटोट्रॉपिक जो होता है उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, पहले फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ये आपके बुक में इसका डिफिनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपको वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है, इसका एग्जांपल सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस का इसका एक रिएक्शन भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो ये CO2 वाटर के हेल्प से इसमें रिएक्शन होता है, इसमें ये सनलाइट प्रेजेंट होता है और इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और इसके हेल्प से यहां फॉर्म होता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस O2, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहां पर 6, यहां भी 6 और यहां भी 6 कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ये प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, ये फूड हो गया
और ये नेचर में हमारे एनवायरमेंट में एयर को ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और ये हो गया आपका ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होता है और जिसका यूज हमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अनदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसको फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के फोर कंडीशंस होते हैं। इसके कितने कंडीशंस होते हैं? फोर कंडीशंस होते हैं। और ये चार कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन अगर अब्सेंट हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट ऑकर्ड, नहीं होगा। एक होता है पहले आपका, ये बताते हैं सनलाइट, सनलाइट। दूसरा होता है आपका वाटर, ये फोर फ्रेंड्स भी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तीसरा होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड चौथा होता है क्लोरोफिल। ये चार मेटेरियल्स मिल करके बनाते हैं क्या चीज? फोटोसिंथेसिस। ये चार मेटेरियल्स हुए, ठीक है। तो ये कंडीशंस विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसके हेल्प से आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कि क्या फोटोसिंथेसिस होता है तो उस प्लांट्स में क्या चीज एज ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो वो क्या चीज स्टोर होता है? तो जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। अब आपको पढ़ना है कि स्टार्च क्या है। तो ये स्टार्च आपको क्या चीज है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये स्टार्च उसमें फूड के रूप में स्टोर हो जाता है, फूड के रूप में स्टोर होता है। अगर इसका भी हम लोग को फॉर्मूला लिखना हो तो हम सिंपली यही फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6 और O6, यही होगा स्टार्च। जब किसी जैसे शुगर केन में जूस के रूप में स्टोर होता है तो स्टार्च ही स्टोर होता है। पोटैटो में जो पोटैटो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी स्टार्च के ही फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे बीट रूट है, चुकंदर का नाम सुने होंगे आप लोग, उसमें भी जो जूसेस होते हैं वो ऑलरेडी क्या है? स्टार्च ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जितना भी आप देखते हो, लीफ देखते हो, उसमें भी जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के ही फॉर्म में होता है। तो हम अब उसको थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि क्या स्टार्च ये है, ये इस सचमुच में प्लांट्स में स्टार्च होता है। तो स्टार्च को चेक करने के लिए एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में ये होता है कि आयोडीन को यदि हम स्टार्च पर डालते हैं, आयोडीन को ड्रॉप वाइज अगर हम स्टार्च पर डालते हैं तो श्योरली वो स्टार्च जो है ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, अगर वो स्टार्च रहेगा तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ग्रीन लीव्स ले लेते हैं, ठीक है ना, लीव्स लेते हैं और ये लीफ को पहले हॉट वाटर में डाल करके इसको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल कर लिए, जब ये बॉयल किए तो बॉयल करने के बाद इसमें से थोड़ा सा क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होता है वो रिमूव हो जाता है। और ये रिमूव होने के बाद अब इसको हम लोग इस लीफ को क्या करते हैं कि उसमें डाल करके इसको, ऐसे लीफ है तो इसको पहले हम बॉयल कर लेते हैं। इसको बॉयल हम लोग वाटर में भी करते हैं और प्लस उसमें एल्कोहल में भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ये वाटर और एल्कोहल में जब हम इसको बॉयल कर लेते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। और जैसे ही ये कलरलेस होता है ये लीफ, तो इस पर हम लोग धीरे धीरे आयोडीन का ड्रॉप्स गिराते हैं। अगर हम जैसे ही आयोडीन को ड्रॉप वाइज करके इस पर गिराते हैं चारों तरफ से, तो इसका कलर जो होता है वह या तो ब्लू होता है और ब्लैक हो जाता है, दो ही कलर में होगा, या तो ब्लू होगा नहीं तो ब्लैक होगा। ये ब्लू और ब्लैक होना ये शो करता है कि इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। ये चीजें केवल इसी में नहीं होता है बल्कि अनदर ऑल मटेरियल्स के कनेक्ट हुआ। 20 मिनट्स स्टॉप करो।